नमस्कार दोस्तों, क्या लॉरेंस बिश्नोई ने 10 साल के बच्चे को धमकी दी है? वेल, जो खबर आ रही है वो तो यही कह रही है कि लॉरेंस बिश्नोई ने 10 साल के बच्चे अभिनव अरोड़ा को धमकी दी है। आप अगर नहीं जानते तो आपको बता दें, वही अभिनव अरोड़ा जो इस समय सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग की इंतहा पार कर चुके हैं। इस समय मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसी कोई मीम्स नहीं बची होगी, ऐसा कोई जो है फेसबुक या इंस्टाग्राम या यूट्यूब यूज़र नहीं बचा होगा जिसने अभिनव अरोड़ा की जो है रील ना देखी हो, रोस्ट वाली। वेल, आपको बता दें, अभिनव अरोड़ा का अभी बीते दिन एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था जिसमें उन्होंने राम भद्राचार्य जी के सामने, जगत गुरु राम भद्राचार्य जी के सामने मंच पे जो है बीच में उनको जो है डिस्टर्ब करके अपनी बात रखने का प्रयास किया, जिसमें जगत गुरु राम भद्राचार्य जी क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि आप इनको मंच से उतारिए, इनको मंच से उतारिए, मेरी एक गरिमा है तो इनको जो है मंच से उतारिए। वेल, ये वीडियो एक साल पुराना वृंदावन का है, लेकिन वो अभी जाके सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये जो है तुरंत का वीडियो है, ये जो है प्रतापगढ़ का वीडियो है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो वीडियो जो है आपके वृंदावन का है, वहाँ पे जो है जगत गुरु रामभद्राचार्य ने 10 साल के बच्चे अभिनव अरोड़ा को जो है डांटा था। लेकिन जो है बात ये है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई ने 10 साल के बच्चे अभिनव अरोड़ा को धमकी दी? वेल, ये आरोप लगाया है अभिनव अरोड़ा की माता जी ने। उन्होंने कहा है कि इस वीडियो के चलते लोग उनको काफ़ी ज़्यादा उन पर नाराज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज तकरीबन 3 बजे के करीब उनके फ़ोन पे एक SMS आता है WhatsApp से, और उसमें लिखा होता है कि आप अपने बच्चे को समझा लीजिए, ये हमारे धर्म का मजाक उड़ा रहा है, अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ, नहीं तो बाद में कुछ गलत भी हो सकता है, मैं लॉरेंस बिश्नोई की गैंग से बात कर रहा हूँ। ये WhatsApp मैसेज था, ये WhatsApp मैसेज काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, और ये बात उनकी माता जी ने बताई है। उनकी माता जी ने कहा कि डेली से 500 से 600 कॉल आते हैं धमकी भरे, और उनकी फैमिली को खतरा है। वेल, इस पे लोगों के अलग अलग रिएक्शन हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये इनके पिताजी जो है लेखक हैं और वकील भी रह चुके हैं, तो उनको पता है कि TRP का इस्तेमाल कैसे करना है, जो है सुर्खियों में कैसे बने रहना है। बहुत लोग अपने जो है संवेदनाएँ व्यक्त कर रहे हैं। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि अभिनव अरोड़ा भी बच्चा है, इसको किसी अच्छे गुरु की शरण में जाना चाहिए और सीख लेने के बाद फिर से जो है कमबैक करना चाहिए। आप लोगों का इस पे क्या टेक है? क्या अभिनव अरोड़ा सही है या अभिनव अरोड़ा गलत है? इसी बीच उनके पुराने वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं जिसमें वो नॉनवेज खाने की बात करते हैं, मोबाइल चलाने की बात करते हैं, और अभी के कंपैरिजन लोग अभी की वीडियो से कंपेयर कर रहे हैं उनको कि ये देखिए ये मोबाइल चलाने के लिए मना करते हैं और खुद मोबाइल चला रहे हैं, ये नॉनवेज खाने के लिए मना करते हैं और खुद नॉनवेज खा रहे हैं। तो ये सब पुरानी वीडियोस उनकी वायरल हो रही हैं। एक वीडियो में अभिनव अरोड़ा कहते हैं कि मेरी माता जी खुद नॉनवेज नहीं खाती हैं, लेकिन मेरे लिए वो गरम गरम नॉनवेज बनाती हैं, और उसी वीडियो पे लोग ने मॉडिफाई करके कहा, जिसमें अभिनव अरोड़ा एक वीडियो में कह रहे हैं कि लोगों को जानवरों को मार के खाना क्या अच्छी बात है, अपने स्वाद के लिए किसी की जान ले लेना है तो बहुत गलत बात है। लोग इस वीडियो का कंपैरिजन उनसे कर रहे हैं, लेकिन लोग अभिनव अरोड़ा से ज़्यादा उनकी फैमिली को ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का कहना ये है कि एक 10 साल का बच्चा इतना मैच्योर नहीं हो जाता कि वो खुद से काम करेगा, उसकी फैमिली उसके ऊपर प्रेशर कर रही है, उसको प्रेशराइज कर रही है, उसको ब्रेन को ब्रेन वॉश किया जा रहा है, तब वो ऐसा काम कर रहा है। वेल, ये काफ़ी बड़ी बात है। अगर लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दी है तब तो काफ़ी बड़ी बात है, लेकिन ये बात लॉरेंस बिश्नोई को भी नहीं पता है कि ये लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर कहाँ कहाँ लोग सस्ती TRP का उपयोग कर रहे हैं। वेल, आप लोगों को क्या लगता है, क्या लॉरेंस बिश्नोई 10 साल के बच्चे को धमकी देगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। वेल, मुझे तो नहीं लगता कि लॉरेंस बिश्नोई इसे 10 साल के बच्चे को धमकी देगा। ये मुझे लग रहा है सस्ती लोकप्रियता के चलते किसी ने किया है, इस पे जल्द से जल्द एक्शन लिया जाना चाहिए। अगर ये बात सच है तो अभिनव अरोड़ा की फैमिली को जो है कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। वेल, इस पे लोगों के जो टेक हैं वो हम बताए हैं आपको, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना। इसी बीच अभिनव अरोड़ा कई सारे बड़े बड़े मीडिया हाउस के चैनलों पे जाके अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। वो आज तक जैसे बड़े मंच पे भी गए, जी न्यूज़ पे भी गए, उनकी जो है उनकी माता जी ने और उन्होंने मिलके, उनके जो वकील हैं उन्होंने बताया कि हमने 7 यूट्यूबरों के खिलाफ जो है अब कोर्ट में कंप्लेन की है और पुलिस के खिलाफ भी कंप्लेन की है कि पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है। तो हमारी जो है कोर्ट से दरख्वास्त है कि हमारे जो है क्लाइंट पे जो है ध्यान दिया जाए, पुलिस भी एक्शन नहीं ले रही है, उस पर भी काम किया जाए। आप लोग
क्या टेक है इस पर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।